लोगों ने हुजूर गौसे आजम का कार्टून स्टिकर बना लेते हैं और खैर बरकत के लिए अपने गाड़ियों में लगाते हैं, ये भी गलत और बिल्कुल हराम। इतनी आप सोच लीजिए बात, क्या हुजूर गौसे आजम जमाने में कैमरा था? क्या किसी शख्स ने हुजूर गौसे आजम का कोई ख्याली फोटो बनाया? और अगर कोई बना ले, उनका हाथ कौन पकड़ सकता है? अल्लाह तबारक का बताला उनको हिदायत। जैसे कि मैंने इराक में देखा, आपको ताज्जुब होगा, इराक में माजल्ला हुजूर का फोटो बना हुआ, हजरत अली का फोटो तो गाड़ी में लगा हुआ, जो शीशा होता है ना गाड़ी का पीछे देखने, उस पर कुछ तस्वीर वगैरह लटका देते हैं, उस पर जनाब हजरत अली का फोटो लगा हुआ, इमाम हुसैन का फोटो लगा हुआ, इमाम हसन का फोटो लगा हुआ। मैंने ड्राइवर से पूछा कि भाई ये क्या है? तो बड़ा डट करके कहने लगा, हाँ ये है। क्या बात, आपको क्या तकलीफ? लगाया मैंने, इमाम हुसैन का फोटो है, इमाम हसन का फोटो है, ऐसे डट के लगाते हैं। आप फरमाइए, ईरान में भी आम इस तरीके। बल्कि आपको ताज्जुब होगा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का एक मजार, एक तो मशहूर है कि वो दमिश्क में, एक मशहूर है कि बगदाद में। वहां जब हम गए, हकीकत हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह के नबी का मजार, हम जब वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा फोटो लगा दिया कि एक मछली किसी आदमी को मुंह में से निकाल रहे, यूनुस अलैहिस्सलाम को जो मछली ने उगला, जैसा कि बस जन्नून इज़हब मुगादिमा फज़मन लम नक़िर अल फनादा फि ज़ुलमाति अल्ला इला इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, इसमें उसकी तफसील है। तो बाज़ार तक मछली बनाई और उसमें एक आदमी को दे करके, और ये बता रहे हैं कि मछली जो है वो किसी आदमी को मुंह से निकाल रही है। अब ये दुनियादार लोगों को कौन समझा सकता? मसला ये है जो हमने आपको बता दिया, ठीक है साहब। चाहे वो शबी बनाए या बरकत के लिए बनाए, ये बनाए, हर तरीके से ये मामला गलत है।